सवेरे तक यहाँ से फुट लेना निकल लेना यहाँ से सवेरे तक बता रहा हूँ भाई। देखो अगर तुम ये मूवी देखने के लिए आओगे तो जो तुमने रामायण की इमेज अपनी बना रखी है वो इमेज तुम खत्म कर दोगे, सारा कॉन्सेप्ट अलग है। हेलो भाई, अरुण पवार इंट्री आपका हार्दिक स्वागत करता है भाई। स्कॉर्पियो एन में बैठ के आज हम लोग जा रहे हैं भाई एक पिक्चर देखने जिसका नाम है आदि पुरुष। तो फटाफट एरिया मॉल चलते हैं, एक कमाल की चीज दिखाता हूँ। अभी इंट्री गाँव में पड़े हैं और 3:40 का 3:40 की वाली पिक्चर है और हम 3:33 पे तो भी गाँव से निकल रहे हैं। बगल में ही मॉल, हाँ रुक जा यार भाई, इतने ऐसे बैकवर्ड एरिया में रहे और गुड़गांव जा रहे हैं। तो आज आप लाइव ये दिखाता हूँ कि हम कितने बजे पहुंचेंगे। चलो 3:33 पे आपने देख लिया, लाइव घर से निकले हैं, एरिया मॉल है गुड़गांव बादशाहपुर सोना रोड पे। वो कितने देर लगेगी हमें वहां पे भाई, क्या हमारा शो मिस होगा नहीं होगा। 3D बुक करा है भाई, 430 रुपए की एक जने की टिकट, हम 5 जने हैं, सिस्टर विस्टर है। किस दिन 2200 रुपए को बैठो सिस्टम तो बड़ा महंगा हो, तो हम नहीं चाहते बिल्कुल भी ऐसे एक भी सेकेंड हमारा मिस हो। तो इसलिए मैंने गाड़ी भाई देख रहे हो, मैंने भाई लोकल रोड पे 120 पर कुछ देर तक तो ब्रेक चले, घनी देर तक हमें रामायण की ये सब चीज बताएंगे। तो 4 बजे तक स्टार्ट होगी पिक्चर, 4 बजे तक शुरू होगी। आर यू श्योर? यस। चलो भाई फटाफट चलते हैं, फोन रखता हूँ ड्राइविंग पे। 140 भग रही है गाड़ी, यू भी मैंने कहाँ लगा ली हो यार, आया को डिस्प्ले डिजिटल स्पीड, ये देखो डिजिटल स्पीड ये फील देती है भाई ये बात। आकाश तभी सीट बेल्ट लगाता जब इसको कुछ ऐसे वो खतरा दिखता है, मैं तो हमेशा लगा के रखता हूँ भाई। तो भाई काफी सुनाता आदि पुरुष के बारे में कि कैसी पिक्चर है, अच्छी है या बेकार है या क्या। तो आज मैं आपको प्रॉपर ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला हूँ भाई, हम कोई ना क्रिटिक है ना कोई रिव्यूअर है, बस वही जैसे आम एक जनता को आपको इतनी महंगी ये पिक्चर सी देखनी चाहिए ना देखनी चाहिए। 3D का मेन शो, 3D का एक्सपीरियंस कैसा रहता है, बहुत टाइम बाद 3D का मजा लेने वाला हूँ। देख लो 1 मिनट पहले पहुंचा दिए इस एरिया मॉल में, देख रहे हो ये है भाई आपके भाई की ड्राइवरी, एरिया मॉल की एंट्री, ये आ गया एंट्री। कहाँ करे एंट्री, यू तो लगे कैसे छपरी हटा। आज तो भाई हमने बाहर ही अपनी गाड़ी पार्क कर दी ऊपर और चलो फटाफट से यार चालू हो गया शो। चलो भाई काफी करेक्ट टाइम पे आ गए हमारे के, अभी तो स्टार्ट भी ना हुई, 20 मिनट को तो खामा खा ही क्यों रहे भाई, अपना सही है हाल तुम्हें बाहर चलाओ गाड़ी। पहली बार पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रहा है तुम्हें, साल में देखकर भूखी प्यासी उदास। लंका की महारानी का स्थान यहां नहीं, भाइयों इंटरवल आ चुका है, लाइटें जल चुकी हैं। अब आकाश अपना एक्सपीरियंस हमको बताएगा, मैं ना बता रहा भाई एक बार बता दियो खामा खाई फालतू कलेश कर, फिर भी बहुत बता तो देखो और ना रहने दे, सबको अपना अपना ओपिनियन है। चलो भाई ठीक है कोई बात नहीं भाई, 3D में काफी अच्छा मजा आता है देखने में, पॉपकॉर्न अच्छा मजा है। अरे 500 रुपए दे दो, ला 500 रुपए में लाई तो करते मेरे भाई आयो मेहमान लाई। और भाई पिक्चर हॉल हाउसफुल है देख लो, मतलब अभी तो इंटरवल में सब लोग गए और भीड़ है देखने के लिए काफ़ी। भाई कौन कहता है पब्लिक पे पैसा नहीं है, इतने महंगे मिलते हैं यहाँ, कुछ महंगा नहीं है भाई सब सस्ता है। वो ये क्या गाड़ रहे हो आकाश भाई, भाई हमने दो ये ले लिए हैं माचो, उसको हम 2100 रुपये से ठगवा दिया आकाश पवार इसमें। अरे चल गई भाई पिक्चर चल गई। भाई मूवी खत्म, इतना वो बोलने को मन कर रहा नीचे चल के बताऊंगा, यहाँ भी तो भीड़ भाड़ है नीचे चल के बताऊँ, इतनी कहाँ पिक्चर यू पैसा वेस्ट करते ही। अब आकाश आ गया भाई शॉपिंग वोपिंग करने, और देखना भाई नकली सेब असलियों से भी महंगे आते हैं, सॉरी केले
कितने का 71 रुपए का हद हो गई यार, सस्ते 50 रुपए दर्जन आ जाते। चलो भाई ये मूवी रिव्यू आप गाड़ी में चल के देता हूँ। कैसी लगी ब्रो पिक्चर? बहुत अच्छी। कुछ नहीं बोलेगा, बिल्कुल कसम खाली। बोलने का क्या भाई, देखो अगर तुम ये मूवी देखने के लिए आओगे तो जो तुमने रामायण की इमेज अपनी बना रखी है वो इमेज तुम ख़त्म कर दो, कि सारा कॉन्सेप्ट अलग है, एकदम स्टोरी बिल्कुल बदल रखी है, कि रावण की मृत्यु कैसे होती है वो सब बदल रखा है। चल के मैं बताऊंगा तेरे पे, प्रॉपर बताया नहीं जा रहा, मैं खुल के बताऊंगा। चल चल चला दे, लेट हो आ जाओ भाई। एक बात है यार, यहाँ गुड़गांव में लोगों पे इतना पैसा है, इतना पैसा है, बहुत अंधाधुंध है। पार्क में गाड़ी लगानी पड़ रही है, देख लो पार्किंग इतनी फ्लोर की है, इस मॉल की फुल है, पार्क में गाड़ी लगवा रहे हैं, देख रहे हो बुरा हाल है भाई। ये पर मॉल भी काफी अच्छा हो भाई, इनकी जो सर्विस है जगह जगह नमस्ते करने और वो सब बहुत एकदम एक नंबर लाजवाब। चलो भाई अब मैं थोड़ा सा आपको ऑनेस्ट रिव्यू देता हूँ आदिपुरुष का। ऐसी लैंग्वेज यूज कर रखी है जो भगवानों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कलयुग में ऐसी भाषा बोली जाएगी। ऐसी तो भगवानों को बोलते हुए दिखा रखा है, मतलब जो वो छोटे से हम देखते आ रहे हैं ना, इतनी अच्छी सी रामायण, वो लिटरली सही में इन्होंने इतनी कचरा कर रखी है भाई। मतलब इन्होंने आज भी छोड़ो, जन कब 2050 साल बाद जो वो हुआ करेंगे ना, कि तीर्थ रसूल एकदम टेक्नोलॉजी से निकल के आ रहे हैं, इस तरीके की आ रही है भाई। मैं तो ऐसे ही कहूँगा, देखो स्टोरी रामायण वो तो भाई देखो अलग ही लेवल है, पर इन्होंने जो करा है ना, रथ वथ तो दिखाए नहीं कहीं भी, कि रथ त्रिशूल खत बना रहा है, ऐसे कोई त्रिशूल और कोई पहन रखे हो, स्टोरी उठाई पुरानी और चीजें दिखाने की कोशिश नहीं, एकदम ऐसे था जैसे आमिर खान की एक पहली मूवी, एक और मूवी आई पहले शिवा शिवा कुछ करके नाम की मूवी थी शायद, ऐसी लग रही थी कि जैसे वही मूवी। मतलब जिससे कहते हैं ना इतनी बोरियत भाई, बहुत ज्यादा बोर हो गए हम तो बैठे VFX, और जहाँ रथ वथ दिखाने चाहिए चील वील दिखा रखी हैं भाई, और डायलॉग कैसे हैं, जली तेरी जली, तेरे बाप की जली, ये जली वो जली, तेरे बाप का, तेरी बुआ का पार्क है क्या, तेरी बुआ का बगीचा। हाँ यार, जो मतलब हमने वो देख रखी है रामायण, इतनी फील आती थी भाई, एक चीज उसमें राम जी स्माइल, और आगे से नई चीज है कि मतलब रावण की जब वो हमें मतलब टूंडी में नाभि में मारेगा तीर, वो तो बताया ही नहीं विभीषण ने, विभीषण बताता है कुंभकर्ण को इतने तो ऐसा ऐसा जगह में उठे ही ना, उठते ही सब ऐसे खान लगे, हाँ खाने का इतना रहे, हाँ और वो सीधा जाते ही लड़ने लगा, एक मिनट में उसकी मृत्यु, अप्रूव किस, हाँ बेसन थोड़ी सी आँच लगाई और एक त्रिशूल मारो खत्म, तीर रहता है आकर वो। हाँ यार मतलब क्या करा इन सेंसर बोर्ड ने, कैसे अप्रूवल दे दी यार इस पिक्चर को भाई, पता ना कहा सोच के दी जन, कितना पैसा खवा दिया होगा उन्होंने, और कहां थे 600 करोड़ लग रहे हैं हम, 600 करोड़ कई चीज का, 100 करोड़ तो इसमें इसी एक्टर के थे राम जो बना था प्रभास के, हाँ, और 3 करोड़ कीर्ति के थे, 1.5 करोड़ उसके थे जो बन नहीं रियल में, अच्छा जी 100 करोड़ लिए प्रभास ने, 100 करोड़ लिए थे आवाज तो एक्टिंग भी तो करी थी भाई, मतलब और भाई लक्ष्मण पहली वाली में कितना तगड़ा था, इसमें तो बस लक्ष्मण की बेइज्जती पे बेइज्जती, बस वो कहीं बोले राम जी उसकी बातों काट के अपना वो कह दें, और न्यू पेट्रोवा पे जो विलन है, हाँ, और यू कहा थे स्वर्ण पानी में जाके इंद्रजीत जो है, ये तो कोई कॉन्सेप्ट ही ना था, लेकिन ऐसे नहीं था कि वही मरेगा, ऐसा थोड़ी ना भाई, बहुत नकली पिक्चर भाई, लक्ष्मण जी को जब देखो वो मूर्छित हो जाए, कभी भी इंद्रजीत पर कभी चाकू खा रहे, वही तो मैं भी कह रहा था, सांप से डस ले कभी कुछ भाई, इन्हें ना पता ना यार क्या करने की सोची यार, डायरेक्टर ओम दत्त जन ओम राय हो तो जन का पता ना क्या था, हमारे तो घने रुपया बैठ गए यार, ऐसी चीजों पे तो फिल्में मत बनाओ कम से कम, जिन पे लोगों की श्रद्धा है, पता है अब इन पे स्टोरी हो गई खत्म एकदम से, तो अब ये पता नहीं इन पे टेक्नोलॉजी आ गई है हाउ ब्लाउ बनाने की, ऐसे बंदर बंदर नकली, तो ये सोचते हैं चलो पुरानी वो उठा के और अपना बढ़िया पिक्चर बना देंगे भाई, हमें तो 2100 रुपए टिकट लगे और 2100 रुपए की वो खाना पीना, 4200 रुपए का वेस्ट हो गया यार, सही बता रहे हैं, और ऐसी मूवी का देखने का वो क्या, जिसकी सारी स्टोरी आपको पहले से ही पता है कि क्या होने वाला है क्या नहीं, लोग अपने पेरेंट्स को देख के पूरा मतलब हाउसफुल था हाउसफुल, अरे वो ये लोगों को थोड़ा अलग चीज से देखनी है ना यार, तो इन्होंने सोचा कि चलो, लोग हंस भी रहे थे भाई उन डायलॉग पे, तेरी बुआ का बगीचा है क्या, लोग हंस रहे, अरे वो थोड़ा 2023 में थोड़ा सा वो ऐड हो जाएगा ना फन, इसलिए वो थोड़ा सा ऐसे करा था,
बाकी भाई मैं तो ऐसे अगर रामायण सवेरे तक यहाँ से फुट लेना निकल लेना यहाँ से सवेरे तक बता रहा हूँ। इंद्रजीत कह रहा हूँ ऐसे भाई अगर देखनी है ना रामायण तो बहुत अच्छे वो पुरानी वाली देखना भाई साहब इतना मजा आता है बहुत। ये पिक्चर तो भाई बस ऐसे थी कि जल्दी करे जा रहे हैं जल्दी आधे पार्ट तो इसमें थे ही नहीं और थे भी तो भाई ऐसे थे कोई हाथ ना पैर ना सिर ना कुछ ना। सीता की एक्टिंग इतनी बेकार कोई सीता में जमी नहीं रही थी वो कीर्ति सेनन भाई साहब। सीता तो मॉडर्न वो जो नौकरानी दासी थी श्रीलंका की वो अलग मॉडर्न वो बत्तियां लेस ब्लाउज यहाँ पे अलग भाई। आकाश तुम तो बहुत मोटी बात करते हो। तो भाई ये था हमारा ओवरऑल इस पूरी पिक्चर का एक्सपीरियंस। अगर ऐसे टाइम पास करना है कि चलो थोड़ा सा नींद आ रही है इसी में जाके सो जाएं तो आप जा सकते हो देखने के लिए। बाकी तो अगर आपको ऐसे स्पिरिचुअलिटी वाली चीज से वो थोड़ा लगाव है तो भाई ओरिजिनल रामायण देखो एक बार फिर से स्वाद ना जाए तो पैसे वापसी है। यूट्यूब पे कोरी पड़ी है अपने टीवी में चलाओ मजे लो। यहाँ पे आके तो ये देखना 3D में डरो लगे हो वैसे है ना उस सांप से तुम्हारे विश्वास खत्म हो जाएगा कि यार हमने जो आज तक सुनी और देखी वो तो अलग रामायण ही इन्हें कुछ अलग ही तरीका जो हमारे मतलब दिमाग में भी फीड है ना वो कैरेक्टर्स उनके इतने अच्छे भोले भाले से और प्यारे अच्छे से यहाँ तो प्यारा ही नहीं यहाँ तो राम जी प्यारे ना राम जी हमेशा गुस्से से में ऐसा तीर न चढ़ाए घूम घूम माँ तो चढ़ो रो है हमेशा। और भाई मतलब लक्ष्मण की मैं तो फील ही ना हो लक्ष्मण जी में तो बिल्कुल भी जो उनको कैरेक्टर तो क्या पोपलू सा बना रखा है ये तो ऐसे ही ऐसे कोई रावण भी तो ऐसे ही हो रावण अलग ही सैफ अली खान वो अलग ही भूत सा 3D वगैरह दस सिर एक गैल नो निकरा मैं कहा छपरीन की तरह चले ऐसे कहा चल रहा हो जाने। तो ये था भाई खावा कहीं घने खर्चे है आज तो 5,000 रुपए को मान लो टोल डीजल तो सबको लगा के तो ऐसा क्या बताया तुम मांग तो रहे हो सब पे पैसा तो हाँ भाई शेयरिंग इज केयरिंग सब एक 1,000 रुपए ट्रांसफर कर दो चुपचाप अपना सबसे बेस्ट 5 जने गए 1,000 रुपए दो भाई ईमानदारी से 2,000 खर्चा है मेरी बीवी तो कमाती भी नहीं कोई बात नहीं भाई ब्याह जब तू फेरे ले रहा था तब तूने क्या बोला था भूल गया क्या नहीं कुछ नहीं बोला भाभी इसको याद दिलाओ दोबारा मैं तो बस सुन रहा था कि मैं तुम्हारा हर सुख दुख में साथ दूंगा ठीक है अगर तुम मूवी देखने जाओगे तो मैं भी जाऊंगी। चलो भाई टोल कटवाते हैं और अपने घर जाते हैं तो सो जाते हैं। जय श्री राम सभी भाइयों को। इससे आदिपुरुष से अच्छा वैसी रामायण देखोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।